नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन वीडियो, आई एम गोइंग टू मेक अ मच शॉर्टर वीडियो, छोटी वीडियो जो करीबन 18-20 मिनट की नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट की होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट एसर की जी सीरीज, विच इज वन ऑफ द लास्ट मॉडल्स टू कम आउट ऑफ एसर इन 2023। वेल, टेक्निकली उन्होंने मैन्युफैक्चर की होगी इन 2023, पर ये मॉडल एक्चुअली में अवेलेबल हुई है इन जनवरी ऑफ 2024। सो दिस सेल वाइज इज एक्चुअली अ 2024 वाली मॉडल। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो अमेजोन में आप जाकर के इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट अवेलेबल ऑन द 5th of January 2024। अब देखिए, एसर की बहुत सारे मॉडल्स हैं मार्केट में, एंड आज के वीडियो में मैं आपको सावधान करना चाहता हूं ऑफ नॉट बाइंग दिस जी सीरीज की टीवी। स्टार्टिंग ही में बोल दिया, मत खरीदिए। क्यों, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, हर एक वीडियो की तरह दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है जी सीरीज के बारे में और बाकी के भी कोई टीवी के बारे में बात करूंगा इस प्राइस रेंज में, और मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में व्हाई यू शुड नॉट बाय एसर की जी सीरीज। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो इसकी प्राइसिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि एसर फॉर द लास्ट वन ईयर एटलीस्ट हैज बीन रियली स्पॉट ऑन व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग। उनकी प्राइसिंग वाकई कंपेटिटिव रही है फॉर मोस्ट ऑफ द मॉडल्स। यस, इट हैज मेड मिस्टेक्स बिकॉज इट हैज मेड मिस्टेक्स इवन इन टर्म्स ऑफ उसकी जो फ्लैगशिप मॉडल है। तो अगर मैं एसर डब्ल्यू सीरीज की अगर मैं बात कर लूं तो उनकी W सीरीज वॉज डेफिनेटली नॉट प्राइस्ड राइट। इनकी जो थिन टीवी थी, जो मैट एक पैनल के साथ आती थी जस्ट लाइक सैमसंग की फ्रेम, दैट दे हैड नॉट प्राइस्ड प्रॉपरली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उनकी V सीरीज देख लें, अगर आप उनकी एडवांस्ड I सीरीज देख लें, अगर आप उनकी H प्रो सीरीज भी देख लें, ऑल दीज टीवीज वेर प्राइस्ड क्वाइट वेल। तो और काफी सारे टीवीज हैं मार्केट में एसर ही के, जैसे एडवांस्ड आई सीरीज, एच प्रो सीरीज, आपका वी सीरीज जो उनका क्यूलेड है, एंड डब्ल्यू सीरीज अगेन जो उनका टॉप ऑफ द लाइन क्यूलेड है। तो व्हाई शुड यू नॉट बाय एसर की जी सीरीज? सबसे पहले तो इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे 33,999 पे आपको मिलता है। अगर आप एसर की खुद की एडवांस्ड आई सीरीज देखेंगे, इट इज प्राइस्ड एट 30,999 फॉर द 55 इंच, 3,000 रुपए सस्ती है। माई पॉइंट इज वाई पे मोर एंड गेट लेस। क्या मतलब है मेरा, आप यहां पे एसर जी सीरीज में 3,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं पर आपको यहां पे डोल्बी विजन भी नहीं मिलेगा, यहां पे आपको 24 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं। आप अगर इसे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसे आई फाल्कन की Q73 से कंपेयर करूंगा, सबसे पहले तो दिस इज अ क्यूलेड आई फाल्कन Q73, एसर जी सीरीज इज जस्ट अ स्टैंडर्ड एलईडी। यहां पे आपको 56 वॉट्स के स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, वहां पे सिर्फ आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं। थिंक अबाउट इट, यहां पे डोल्बी विजन भी है और यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर भी मिल रहा है थ्रू DLG। तो एवरीथिंग इज कंपैरेटिवली बेटर। फ्री सिंक का सपोर्ट भी है तो गेमिंग के लिए भी इट विल बी सो मच बेटर। और अगर मैं एसर से हट के हाइसेंस की भी बात कर लूँ ना, हाइसेंस की भी अगर आप देख लेंगे, A7H सीरीज को अगर मैं लेता हूँ, नॉट द A7K बिकॉज A7K इज 2023, A7H जो है वो 2022 वाली मॉडल है, पर अगर मैं इसे ले लेता हूँ, इसमें आपको 102 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं एट द सेम प्राइस पॉइंट, ट्यून्ड बाय JBL। गूगल टीवी इसमें भी है, 2 GB का रैम, 16 GB का स्टोरेज इसमें भी है। एक चीज की मुझे डाउट यहां पे लगी है एसर की इस लिस्टिंग में, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे उनका दावा तो है कि वो HDMI eARC आपको दे रहे हैं, पर उन्होंने लिखा हुआ है यहां पे HDMI पोर्ट्स 2.2x3। अब जनरली एक पोर्ट जो होता है ना, जो डेडिकेटेड HDMI eARC का पोर्ट जो होता है, वो टेक्निकली इज HDMI 2.1 बट जस्ट फॉर ऑडियो। सो अगर आप कोई भी लिस्टिंग भी देख लेंगे कोई भी टीवी का, एक पोर्ट डेडिकेटेड होता है, जैसे मैं सैमसंग अपनी AU9070 के बारे में भी बात कर लूंगा, एक पोर्ट इसमें HDMI 2.1 है फॉर ऑडियो विच इज फॉर eARC। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ HDMI पोर्ट्स 2.0x3, सो आई एम नॉट रियली श्योर। हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है कि एक पोर्ट eARC सपोर्ट करता है, सो इट मस्ट बी एन ऑडियो पोर्ट फॉर आर्क, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें 3 HDMI 2.0 पोर्ट्स मिल रहे हैं, आपको HDMI 2.1 भी नहीं मिल रहा है यहाँ।
तो आप ये भी देखिएगा कि why should you buy this TV? Because इसमें ऐसा नहीं कि ब्राइटनेस भी उन्होंने मेंशन की है. अगर मैं एसर की एडवांस्ड आई सीरीज ले लूं, अगर मैं आई फाल्कन को ही ले लूं, एसर एडवांस्ड आई सीरीज में आपको करीबन 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी. आई फाल्कन Q73 में 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी आपको. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 450 निट्स, सो इट्स कंपेरेटिवली वे ब्राइटर एज वेल. सो द क्वेश्चन इज why विल आई टेक द एसर की जी सीरीज by paying so much more. यहाँ पे इनफैक्ट इनका ग्राफिक्स प्रोसेसर भी माली G31 का है. सो ऐसा नहीं है कि यू नो आई मीन इट्स अ ग्रेट टीवी, इट्स जस्ट प्राइस्ड रॉन्ग. देखिए मैं हमेशा वीडियोस जब बनाता हूँ ना, आपके फायदे के लिए बनाता हूँ, और दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फ्यू टीवीज जो 2024 में निकली हुई है. सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, जैसे LG हो गया, Samsung है, they will now start taking out their newer models from April, May या even June onwards. They will start appearing online, जो उनके 2024 वाले models हैं. तो it just doesn't make sense to buy the Acer G series. और ये video मैं technically सिर्फ आपको सावधान करने के लिए कर रहा हूँ, because it is not a good pricing for this TV. हाँ, अगर ये TV 26999 पे आता, it would have been comparatively much better. यहाँ तक कि अगर मैं प्राइसिंग की बात कर लूं, इवन हाइसेंस की E7K विच इज अ QLED, अगेन दैट इज आल्सो प्राइस्ड मोर कंपैरेटिवली देन दिस. सो द क्वेश्चन इज व्हाई विल यू बाय एनी ऑफ द यू नो दीज साइजेस, लाइक 43 इंच भी 23999 का है, 55 इंच भी 33999 का है. तो और उसके अलावा 32 इंच में इट इज नॉट इवन अ 4K टीवी, इट्स अ HD रेडी टीवी, बट 43 एंड 55 इंच आर 4K. इट जस्ट डजंट मेक सेंस. मेरी मानिए तो स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड दिस वुड बी माय एडवाइस. दैट इज माय सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. हाँ, ये 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, पर हाइसेंस भी देता है यार. आपको TCL के टीवीज में भी 2 साल की वारंटी मिलेगा, हाइसेंस के टीवीज में तो कोई कोई टीवीज में आपको 3 साल की वारंटी भी मिल जाएगी. तो यहाँ पे तो 2 साल की वारंटी है, बट सम मॉडल्स माइट इवन कम विद 3 इयर्स वारंटी. तो अगेन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज टू मेक श्योर दैट आई टेल यू वाई नॉट टू बाई जी सीरीज. सो समिंग इट ऑल अप अगेन, इसमें डॉल्बी विजन नहीं आएगा, HDMI eARC इज क्वेश्चनेबल, बट वो बोल रहे हैं तो चलो मान लेता हूं, बट HDMI 2.0 है, 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, माली G31 का आपको GPU मिल रहा है यहां पे. देयर आर नो रीजंस व्हाई यू शुड बाय दिस टीवी. अगर एस्थेटिकली भी सुंदर होता ना, तभी भी मैं चलो बोलता कि ठीक है, टीवी एटलीस्ट दिखने में तो ठीक है, बट यहां पे इवन द बिल्ड क्वालिटी, टेक अ लुक एट दिस एंड टेक अ लुक एट द रिमोट ऑफ दिस टीवी. It looks very substandard. At the same price, you're getting this. Look at this remote. iFalcon ki Q73. And look at this build quality. Isme aapko far field mics bhi mil raha hai. Again, I did not exactly want to make a comparison video today jahan pe main ekdam kaide ke saath jata hun, like ports and connectivity, audio and video, configuration and OS, and finally main display and picture ke baare mein baat karta hun. I don't think that kind of a video was even needed, because Acer ki G series does not even deserve my, in my opinion, a video like that. So I hope you have got some information about this G series. Agar aapko 2024 wale hi models chahiye, please be patient. New models from all TV manufacturers will start dropping from April to May, June onwards. LG, Samsung, they will all take out newer models of their TV. Agar aapko Acer ki TV lene hai, to advanced I series much better, go for it, or spend a little more, 3000 rupees more, and you can even get the Acer ki V series jo QLED hai technically. In sare TVs mein aapko VA panels hi milenge, because Acer always comes up with VA panels. They are manufactured by Dixon, by the way. I'm not really a fan of Dixon technologies manufacturing, because Hisense aur Toshiba TVs mein agar aapko Dixon ki manufacturing dikh gayi na, then I think, you know, the quality is a little compromised there, especially with Toshiba TVs. If they are manufactured by Hisense, they're all fine. So, this is my video on the Acer ki G series. Let me know what your thoughts are. Agar aapke koi sawal ho is TV ko lekar ke, ya fir koi bhi dusre TVs ko lekar ke bhi jo maine aaj discuss kiye hain aaj ke video mein, please reach out to me. Main aapko har ek sawal ka jawab aap tak jald se jald pahuncha dunga. Aur agar aapko ye wali content, a shorter content, agar achhi lagi ho, please hit that like button and hit that subscribe button, taki jab bhi, aur saath hi mein bell icon, taki jab bhi main apni ek nayi video release karu, aapko pata chal jayega मंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.